हाय फ्रेंड्स, मैं अंशु, ये हो आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। दोस्तों, खेल खेल में फिल्म के साथ ये देखा जा रहा है कि फिल्म का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, उसके बावजूद ये फिल्म को लेकर लगातार नेगेटिविटी होती जा रही है। डे वन, डे टू, डे थ्री फिल्म कलेक्शंस कर रही है, उसके बावजूद क्रिटिक से ये कह रहे कि यार फिल्म चल नहीं रही, फिल्म ऐसा नहीं है, फिल्म वैसा नहीं। जब आपको पता है एक फिल्म बहुत बड़ी भूकंप लेकर आ चुकी है और उसको कम से कम 60% के ऊपर स्क्रीन्स मिले हैं, उसके अलावा दो और फिल्में हैं हिंदी मार्केट में, वेदा और खेल खेल में, मिड बजट फिल्म है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि फिल्म कितनी कमानी चाहिए? यानी कि वहां 60 करोड़, यहाँ 40 करोड़, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना यार। फिल्म का कलेक्शंस कमाना ही था और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो ये चीजें जो चीजें हो रही है खेल खेल में, ये दोहरी मार पड़ रही फिल्म पर, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिल्म बुरी है क्या? यही सिर्फ मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या फिल्म बुरी है? नहीं। जो फिल्म बुरी नहीं है तो उसको आप कलेक्शंस के हिसाब से मत नापिए कि फिल्म ऐसी है, फिल्म वैसी है, ये है, वो है। कई बार होता है अच्छे अच्छे एक्टर की फिल्म नहीं चलती है कलेक्शंस वाइज, लेकिन क्या वो फिल्म बुरी होती है? ऐसा कुछ नहीं है। कई बार बुरी से बुरी फिल्म चल जाती है, कई बार बुरी से बुरी फिल्म चल जाती है। किसको लगा था हाउसफुल 4 चलने वाली, उसके बावजूद चली ना, 200 करोड़ के ऊपर कलेक्शंस किया था ना, उस वक्त भी लोग यही कह रहे फिल्म नहीं चलने वाली है। हालांकि उस वक्त उस फिल्म के फेवर में ये था कि आसपास कोई क्लैश नहीं था। यहां पे भी अक्षय कुमार की फिल्म के साथ क्लैश नहीं होता तो अक्षय कुमार की फिल्म बता देती कि आखिर वो कितना दम रखती है। और यहां पर गलती से अक्षय कुमार की ये है कि इस क्लैश में वो आ गए और यहाँ पे स्त्री 2 बहुत बढ़िया चल गया। अगर स्त्री 2 उतनी नहीं चली तो उसका पूरा फायदा खेल खेल में होता है, आपको ही पता है। बट स्टिल वो सब चीजें जो है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्त्री 2 की कमाई से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खुशी है मुझे कि हिंदी फिल्में वापस अपने खुमार पर आ रही है, बढ़िया कलेक्शंस कर रही है। बट हाँ, खेल खेल में को लेकर कहीं ना कहीं अक्षय कुमार फैन ज्यादा नाराज जरूर होंगे। डे 1 5.23 करोड़ आया है, सेकेंड डे 2.42 करोड़ आया है। दो दिन का कलेक्शन आपके सामने है। तीसरे दिन फिल्म ने कितनी कमाई की है चलिए आपको बताता हूं। उसके बाद फिल्म का टोटल कितना हुआ है ये आपको मैं बताना चाहूंगा इसी वीडियो में। फर्स्ट डे कलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया 5.23 करोड़, सेकंड डे का कलेक्शन 2.42 करोड़ हुआ था, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। तीसरे दिन का कलेक्शन जो आया है वो 3.40 करोड़ हुआ है, 3.40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ है खेल खेल में फिल्म का। और इसके साथ ही फिल्म का टोटल हो चुका है 11.05 करोड़, 11.05 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म ने 11.05 करोड़ तक की कमाई कर ली है पहले 3 दिनों में। और तीसरे दिन का प्रेडिक्शन में 4 से 6 करोड़ दिया था लेकिन 3.40 करोड़ हुआ है। नॉट दैट बैड, एटलीस्ट फिल्म ने कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया है। 30% का ग्रोथ आया है डे 3 में, डे 2 के हिसाब से कंपेयर करें तो। इस फिल्म के साथ ये हो रहा है कि देखिए, मैं एकदम सीधी बात बताता हूं, इस बार स्त्री 2 बहुत बढ़िया चल रही है। लोगों को उस फिल्म को लेकर बुखार सा हो गया है, यानी कि पब्लिक कुछ सोच नहीं रही है, फिल्में देखना है, सिर्फ स्त्री 2 देखना है। तो स्त्री 2 को देखने के लिए इतना आकर्षण हो गया है, इतना पागलपन हो गया है कि बाकी फिल्म कंप्लीटली लोगों ने इग्नोर ही कर दिया है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो, समझ रहे आप। तो ये होता है कई दफा कि एक अच्छी फिल्म, जैसे कि अभी पुष्पा जब आई थी तो पुष्पा के आगे स्पाइडरमैन थी या कई और फिल्में थी साथ में आसपास में, तो लोग उसको देखने के लिए ज्यादा इच्छुक थे, लेकिन पुष्पा को लोग लगभग इग्नोर करे थे। पुष्पा तकरीबन 15-20 दिन के बाद चली थी, या अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूं। तो एक फिल्म की जब तक जर्नी खत्म नहीं होती तब तक आप उसे ये नहीं कह सकते कि फिल्म बकवास है, ये है, वो है। फिल्म अच्छी है तो अच्छी है, वो चाहे थिएटर में ना चले तो OTT पे चले। KGF 1 जब आई थी तो थिएटर में नहीं चली थी, हिंदी मार्केट में उसको लगा, लोगों को लगा कि ये फिल्म बढ़िया नहीं, ऐसा नहीं, वैसे नहीं। थिएटर में जो चली थी जो भी बहुत लिमिटेड चली थी, लेकिन फिर भी उसने अपना दमखम बताया था, क्योंकि उसके सामने आपको पता है KGF के सामने 0 थी और लोगों को लगा यार 0 को हम देखेंगे, KGF कौन सी पिक्चर आ, तो लोग 0 को देखने गए। उसके बाद 4-5 दिन के बाद KGF को लोगों ने देखा, उसके बाद KGF ने अपनी पकड़ मजबूत की और आज KGF का नाम दुनिया में शुमार है बेहतर फिल्मों में से। तो हमेशा ये होता है कि मुझे आज पहली बार गाली नहीं पड़ रही है, मुझे KGF के दौरान भी गाली पड़ी थी कि लोगों ने कहा था कि ये तो नहीं, 0 को सपोर्ट नहीं किया। मुझे कई बार गालियां पड़ चुकी है कई सारी फिल्मों के लिए, बट इससे मेरी जो स्थिति है, मेरी जो सिचुएशन वो बदलने जाता है। मैं वही कहूंगा जो मुझे सही लगता है, और चाहे आपको जो भी कहना मुझे कह सकते हो, मेरी जबान बदलती नहीं है आपके कमेंट से, आपकी गालियों से, किसी चीज से। मैं जो बोलता हूं वो डंगे की चोट पर बोलता हूं, और मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूं मैं जो कह रहा हूं। और हाउसफुल के 4 के समय भी यही गालियां पड़ी थी, लेकिन आज के टाइम में ना केवल हाउसफुल 200 करोड़ की कमाई करी, अक्षय कुमार की पहली फिल्म में 200 करोड़ की कमाई करने वाली, और साथ ही साथ उसके जो डायरेक्टर है वो आज भी मुझे पहचानते हैं, इवेंट से मिलते तो हाय हेलो करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वो उनकी वाइफ सब लोग
अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आपको पता ही होगा, फरहाद समझी की। आप बोलोगे यार अरे यार किसका नाम है, लेकिन ये बात सच है। तो तीन दिन के बाद 11.05 करोड़ तक का कलेक्शन फिल्म ने कमाया है। संडे है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और मुझे ऐसा ये भी पता चल रहा है कि आज भी इस फिल्म का जो रोमांच है या जो एकदम जिस फिल्म को करना चाहिए वो आज भी शायद नहीं कर पाई, क्योंकि आज भी लोगों की पहली पसंद है स्त्री टू। तो जब तक स्त्री टू का बुखार लोगों से उठेगा नहीं तब तक लोग खेल खेल में देखेंगे नहीं। लेकिन लंबा वक्त है, 1.5 महीने का पूरा खुला समय दोनों ही फिल्मों, तीन फिल्म भी था, तो भर लो आप समझ लो चली ही गई इन दोनों फिल्मों के लिए प्रूफ करने का। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि इतनी जल्दी हार मत मानो, अभी थोड़ा सा वक्त है, काफी वक्त, थोड़ा नहीं काफी वक्त है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सीधा सीधा हथियार अगर डाल देंगे तो क्या मतलब है। अक्षय कुमार फैंस आप लोग को भी यही कहना चाहूंगा यार, बाकी कोई सपोर्ट करे या ना करे, आप प्लीज दिल खुलकर सपोर्ट किया करिए, आपके अपने एक्टर है, उनकी ही फिल्मों को आप खुद सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर यार दुनिया से क्या उम्मीद कर रहे हो कि सपोर्ट मिलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही।